हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख ही सकते हो, ये वाली फोटो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव सी होने वाली है। सो गाइस, अगर आप सब इस टाइप की फोटो एडिटिंग अगर करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखते रहना। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके साथ पहले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली और भी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम ओपन करेंगे पिक्सार्ट ऐप को। जैसे ही हम लोग पिक्सार्ट ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप लोग को ये वाला बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये वाला बैकग्राउंड काफ़ी ऑसम सा है। सो इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद गाइस, आपको चले जाना है यहाँ से ऐड फोटो के अंदर। और गाइस, सिंपली से ऐड फोटो में जा करके आपको यहाँ पर एक वोल्फो के पीएनजी को ऐड करना है। और जैसे आप लोग इसे ऐड कर लो, इसको पूरी पिक पर बढ़ा करके लगा देना कुछ इस टाइप से। एंड देन गाइस, इसको कर लेना है डन आप लोग को। सो अभी गाइस, डन हो जाने के बाद आपको चलना है फिर से अगेन ऐड फोटो में। और गाइस, इस बार आप लोग को अपने मॉडल को ऐड करना है। तो गाइस, मैंने अपने मॉडल के कटआउट को ऑलरेडी पहले निकाल कर रखा हुआ है। सो अगर आप लोग को कटआउट निकालना नहीं आता है तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, मैंने अपने मॉडल को ऐड कर लिया है एंड इसको कुछ स्टेप से यहाँ पर बैकग्राउंड पर लगा दिया है। सो देन गाइस, इरेजर वाले ऑप्शन में चले जाना है, जो कि आप लोग को लेफ्ट साइड में मिल ही जाता है। एंड गाइस, इरेजर वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोग को इसके इरेजर की हार्डनेस को बिल्कुल कम कर लेना है एंड नीचे के पास कुछ स्टेप से इसको इरेज कर लेना है। सो इसके बाद आप लोग को गाइस, इसको लेना है डन एंड अगेन फिर से डन कर लेना है। सो ये इतना करने के बाद आप लोग को फिर से चलना है ऐड फोटो में। और इस बार गाइस, आप लोग को कुछ पार्टिकल्स के पीएनजी को ऐड करना है। तो इस पीएनजी को ऐड करने के बाद आप लोग को इसका ब्लेंडिंग मोड सक्रिय रखना है एंड कुछ स्टेप से आप लोग को लगा देना है इसको। एंड इसे लगा देने के बाद आप लोग को इरेजर वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो गाइस, इरेजर वाले ऑप्शन में जाकर के इसके नीचे के पार्ट को इरेज कर लेना है। सो गाइस, इसे इरेज कर लेने के बाद आप लोग इसको कर लेना है डन एंड फिर से अगेन इसको कर देना है डन। एंड अभी गाइस, हम लोग इस फोटो को लेकर चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर। ओके, सो गाइस, यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर आ जाने के बाद आप लोग को ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड सिंपली से आप लोग को नीचे की तरफ कुछ स्टेप से लाइन मारनी है एंड देन स्क्रॉल करना है ट्रांसफॉर्म। सो इसके बाद गाइस, आप लोग इस फोटो को कर लेना है सेव। एंड इस फोटो को सेव करने के बाद अभी हम लोग चलेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो चलिए गाइस, ओपन करते हैं स्नैपसीड ऐप को भी। ओके, तो गाइस, अभी आप लोग देख ही सकते हो कि अभी हम आ चुके हैं स्नैपसीड ऐप के अंदर। एंड स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद आप लोग को ऊपर की तरफ फर्स्ट में एक ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली से हम लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इनमें से कोई भी इफेक्ट अपने फोटो के अंदर यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला फेडेड ग्लो वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड जैसे कि ऐसे इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो आपकी पिक काफ़ी ऑसम सी बन जाएगी। सो इसे करने के बाद इसको कर लेते हैं हम लोग डन गाइस। एंड अभी इसके बाद हम लोग को यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर चले जाना है। वो पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाकर के सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर हम लोग को अपने फेस को सिलेक्ट करना है एंड देन इसके ब्राइटनेस को हम लोग को कम कर देना है एंड हल्का सा इस फोटो के कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज कर लेना है। सो इसके बाद गाइस, इसको करते हैं डन एंड देन करने के बाद आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो कि आप लोग की फोटो एकदम क्रिएटिव से बन चुकी है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है। सो आई होप गाइस, आप लोग को इसी के साथ ये वाली एडिटिंग पसंद आई होगी। तो इस टाइप की एडिटिंग और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूँ इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।